लाहौर के इलाके चौंगी मेन बाज़ार में ताजिरों की जानिब से यूनियन का इलेक्शन करवाया गया, जिसमें मेन बाज़ार के ताजिर हजरात ने शमूलियत हासिल की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया गया, जिसमें मरकजी सदर मलिक खालिद और चेयरमैन निस्टर टाउन पप्पू खोखर ने जीतने वाले ग्रुप को मुबारकबाद पेश की और मुंतखब होने वाले यूनियन के अहदेदारों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी बिल्कुल जी, मैं खुद मौजूद हूँ चौंगी मेन बाज़ार में, जहाँ पे सुहेल सरवर साहब यहाँ से इलेक्शन विन किया है। यहाँ के सदर मुंतखब हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। सर, चेयरमैन नस्तर टाउन कौमी ताजर इतिहाद पाकिस्तान पप्पू खोखर साहब ने आपको मुबारकबाद पेश किया सर, आपके पास आए हैं, सर क्या कहेंगे? सर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से नवाजा है। पप्पू खोखर साहब ने, मलिक खालिद खोखर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, राव अक्रम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़े प्यार से, अजी शेर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बड़े प्यारों से नवाजा है, मोहब्बतों से नवाजा है इन्होंने। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने तारीखी कामयाबी दी है हमें। अलखिदमत ताजर ग्रुप के प्लेटफार्म से मैंने इलेक्शन विन किया है और मेन बाज़ार की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी लीड से हमने इलेक्शन विन किया है। सर आसम साहब भी आपके पास आए हैं, इन्होंने भी मुबारकबाद पेश की है, सर इनके बारे में क्या? सर आसम साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, TLP से इन्होंने इलेक्शन भी कंटेक्ट किया था, हम इनसे हमारे से बड़ा प्यार करते हैं और TLP के अहम रुकन है, अहम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर मेन बाज़ार के आप सदर मुंतखब हुए हैं, सर सबसे पहले आवाम के लिए कौन सा काम करेंगे? सर हमारे बाज़ार में पार्किंग के और नजायज़ तजावजात के बड़े मसाइल हैं, जो कि मुखालफ ग्रुप ने कभी भी हल नहीं किए थे। इंशाल्लाह ताला ताजरों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं मुझसे, इसीलिए इतनी बड़ी कामयाबी से मुझे विन करवाया ताजरों ने, और हम इंशाल्लाह तजावजात, नजायज़ तजावजात का, पार्किंग का खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। सर इसके अलावा जो ये बत्तागोरी माफिया जो बैठा हुआ है सर, इनके लिए क्या करेंगे? सर जो हमारा मुखालफ ग्रुप था, ये उसी माफिया से तलक रखता था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी माफिया को ही शिकस्त दी है। सर कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान में शमूलियत का भी ऐलान करेंगे सर आप? जी इंशाल्लाह, मलिक खालिद महमूद खुद के साहब हम भरपूर शमूलियत का ऐलान करते हैं और इनसे भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक खालिद महमूद साहब, इनसे भी बात करते हैं सर, वो क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मरकजी सदर साहब क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले सेल सर्वर, उनकी पूरी टीम, सलीम रहमानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये बहुत बड़ी लीड से यहां से कामयाब हुए हैं। ये इनकी मेहनतों का सिला है कि इन्होंने इस बाज़ार के में बहुत अरसे से मेहनत कर रहे थे, तो आज अल्लाह ने इन्हें बहुत बड़ी कामयाबी दी है। इन्होंने उस बंदे को, उस बंदे के सामने जीते हैं जो कि इधर एक बहुत बड़ा वो बना हुआ था माफिया, तो लिहाजा मैं इनको फिर दिल की था गहराइयों से अपने कायद ख्वाजादर गुलशन साहब की तरफ से और कौमी ताजर तहत की पूरी टीम की तरफ से इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं आप सब के सामने, तमाम ताजरों के सामने, इस बाज़ार के दुकानदारों अहदेदारों के सामने ये मैं भी इनसे वादा करता हूँ, इन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है तो इंशाल्लाह कौमी ताजर ताज भी शाना बशाना इनके साथ खड़ी रहेगी, दिन हो या रात हो। जी वालेकुम। सदर साहब ने आपको वेलकम कैसे किया सर? जी माशाल्लाह, सुहेल सरवर साहब का इलेक्शन जीतना इस बात की तस्दीक करता है कि आज भी लोग अपने हकूक के लिए राइट पर्सनैलिटी की सिलेक्शन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट इस बात की दलील दे रही है कि आज और आने वाला कल जो ताजरों की कॉज है और ताजरों की जो मुश्किलात है, इंशाल्लाह ताला सुहेल सरवर के साथ इंशाल्लाह ताला कौमी ताजिर इत्तेहाद हमेशा से साथ हैं और हमेशा से साथ चलेंगे हम। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी चेयरमैन पप्पू खोखर साहब, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सुहेल सरवर साहब ने आपको वेलकम कैसे किया सर, इनके साथ कैसे आप खड़े हैं सर? सुहेल सरवर साहब मेरे भाई हैं और इन्होंने बड़ा वालहाना इस्तकबाल किया और इनकी फतह हम सब ताजों की फतह है और ये बहुत बड़े माफिया के ख़िलाफ़ एक फतह है और हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और जहाँ भी हमारे खून के एक एक कतरे की ज़रूरत हुई वो भी हम इनके लिए बहाने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह रहेंगे। पूरी कौमी ताजर तहाद
کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر موڑ پہ ہر لمحے پہ کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔